तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। ये जो रिप्रोडक्शन है ये चैप्टर आपका 12th एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो जो है हम इसी पे बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, इस शब्द का मीनिंग क्या है, रिप्रोडक्शन शब्द का मीनिंग क्या है। तो देखिए पेरेंट्स होते हैं और पेरेंट्स जो है वो प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोजेनी। और ये जो प्रोजेनी होती है ये पेरेंट्स से लेस या फिर मोर सिमिलर होती है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में। ठीक है, तो पेरेंट्स के द्वारा प्रोजेनी प्रोड्यूस करना ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो टाइप का हो सकता है। पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा टाइप का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसकी हम कुछ अगर बेसिक स्टडी हम करना चाहें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वो आप देख सकते हैं कि इसकी जो यूनिट होती है उसको ब्लास्टेमा कहते हैं। इसकी जो प्रोसेस होती है इसकी प्रोसेस को ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। तीसरा पॉइंट हम बात करें तो तीसरा पॉइंट ये कि ये जो प्रोसेस होती है ये यूनिपेरेंटल होती है, इसमें ओनली सिंगल पेरेंट्स ही भाग लेता है, इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही पेरेंट्स होता है और उसी से सारी प्रोसेस जितनी भी आपकी होनी होती है वो सब प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं चौथा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बनती है उसको हम क्लोन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो संतानें होती हैं उनको क्लोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 100% सिमिलर होती हैं टू दियर पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स से 100% सिमिलर होती है इसलिए इनको क्लोन कहते हैं। और यहाँ पे वेरिएशंस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। आपको जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें वेरिएशंस जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि यह वेरिएशंस नहीं होती इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये इवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये तो कुछ बेसिक बात हो गई। अब जैसे हम टाइप की बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं, तो बाइनरी फ्यूजन हो गया, बाइनरी फ्यूजन में सिंपल बाइनरी फ्यूजन जैसे अमीबा, लॉन्गिट्यूडिनली बाइनरी फ्यूजन इसका एग्जांपल यूग्लिना हो गया, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन इसका पैरामिशियम हो गया, ओब्लिक बाइनरी फ्यूजन इसका एग्जांपल क्या हो गया आपका स्पायरोगायरा हो गया, मल्टीपल फ्यूजन अमीबा पैरामिशियम एग्जांपल ले लेंगे। अगर बडिंग की बात करें तो बडिंग एग्जोजीनस और एंडोजीनस दो टाइप की बडिंग हम पढ़ने को मिलती है हमको यहाँ पे। 12th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर यही है। तो बडिंग की हम देख लेते हैं, बडिंग एग्जोजीनस हो सकती है या फिर एंडोजीनस हो सकती है। एग्जोजीनस का मतलब हो गया कि आउटसाइड टू बॉडी, कि बॉडी के बाहर जो बडिंग बनेगी उसको हम बोलेंगे एग्जोजीनस बडिंग, और यदि बॉडी के अंदर यानी इनसाइड द बॉडी जो बडिंग होगी उसको हम बोलेंगे एंडोजीनस। तो इसका एग्जांपल आप सभी जानते हैं, इसका एग्जांपल होगा हाइड्रा, आप सभी जानते हैं हाइड्रा को। हाइड्रा जैसे आपने एसीसी सिचुएशन देखी थी उसमें,
और फिर आपने देखा था कि यहाँ से एक इसमें मुकुल टाइप का कुछ निकलता था और धीरे धीरे ये जो मुकुल है ये अपना फर्दर ग्रोथ कर लेता था पूरा। और फिर जो ये वाला इसका जो पार्ट है ये एडल्ट में बदल जाता है, और ये वाला भी है, ये वाला भी फर्दर एडल्ट हो जाता है, और फिर ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रा में जो है बडिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा हम एंडो जीनस की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आएगा स्पंज। स्पंज जो होती हैं इनमें एंडोजीनस बडिंग देखने को मिलती है, और इस एंडोजीनस बडिंग का जो यहाँ पे नाम स्पेशल नाम होता है इसको बोलते हैं जेम्यूल। ठीक है, तो यहाँ जेम्यूल जो है इनका नाम दिया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले तो कहते किसे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? उससे पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप एक लाइन में कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्पर्म होता है जो कि एन होगा, साथ में एक ओवम होगा जो कि एन होगा, और इन दोनों में जो फर्टिलाइजेशन होता है, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप इनमें एक टू एन स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं जायगोट। और ये जायगोट जो है ये फर्दर इसमें डेवलपमेंट होगा और ये एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। ठीक है, तो जायगोट जो होता है इसमें पहली द्विगुणित संरचना होती है। तो इससे क्या समझ में आता है कि एक स्पर्म होगा, एक ओवम होगा, उन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, उससे जायगोट बनता है, उससे एम्ब्रियो बनता है। ये पूरी जो प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ी जाती है। तो इसमें जो जायगोट है ये फर्स्ट जायगोट जो है आपकी ये फर्स्ट टू एन स्ट्रक्चर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसीलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट होती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट क्या होगी? यहाँ पे जायगोट। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिट क्या थी? ब्लास्टेमा। ब्लास्टेमा, और प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्लास्टोजेनेसिस। ठीक है, और यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट क्या है? जायगोट, और प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। और जो संतान होती है यानी जो प्रोजेनी की हम बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोजेनी, प्रोजेनी को हम कहते हैं ओजोइड। ये OOZOID है तो इसको हम ओजोइड बोलते हैं। देखिए, इसमें अगर हम बात करें स्पर्म फॉर्मेशन की और ओवम फॉर्मेशन की तो दोनों में ही मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। और जो मियोसिस होता है उसी के दौरान एक और प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में भी दोनों ही स्पर्म और ओवम दोनों में ही क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो एक, जैसे ये क्रोमोजोम की हम बात करते हैं, तो इसका ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये फ्रेगमेंट इसके इस वाले फ्रेगमेंट के साथ में एक्सचेंज हो जाता है। ये हिस्सा यहाँ एक्सचेंज हो जाता है और जो ये वाला हिस्सा है ये यहाँ पे आ जाता है। तो जो इस वाले गुणसूत्र के कैरेक्टर होते हैं वो इस वाले गुणसूत्र में चले जाते हैं, और जो इस वाले गुणसूत्र के कैरेक्टर होते हैं वो इस वाले में आ जाते हैं। तो
तो यानी जो संतान होती है उसमें वेरिएशंस जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं क्रॉसिंग ओवर के कारण से। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये इवोल्यूशन को सपोर्ट करती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम एक और शब्द की हम बात करेंगे यहां पर, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। हिंदी में इसको कहते हैं लैंगिक द्विरूपता, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या मतलब है इसका, क्या तात्पर्य है इससे? तो देखिए, सेक्सुअल का मतलब हो गया लैंगिक, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन उनका, और डाइमॉर्फिज्म हो गया कि दो रूप, डाई मीन्स टू, मॉर्फ यानी मॉर्फोलॉजी। तो टू टाइप्स की मॉर्फोलॉजी होती है, यानी कि अगर मैं एक्सप्लेनेशन के रूप में इसको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये होगा कि हम मेल एंड फीमेल उसको मात्र देख के हम बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, यानी कि दोनों में लैंगिक रूप से ये स्पष्ट विभेदन होता है कि ये मेल होता है और ये फीमेल होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसको लिखेंगे कैसे कि मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन बाहरी तौर पर दोनों दोनों को पहचाना जा सकता है, इसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कॉकरोच हो गया एंड अर्थवर्म हो गया, इनकी हम बात कर सकते हैं। तो चलिए हम अब बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन चीजें होती हैं, ए बी और सी। आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसमें होती हैं चीजें तीन, कौन कौन सी? ए बी और सी। ए कौन सी होती है? तो ए होती है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और बी होती है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हमने बात की है तो ऑर्गन की सहायता करने के लिए कुछ और चीज़ें भी होंगी यहाँ पे। तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, इसलिए रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। वे ग्लैंड्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करें उनको कहते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो एक नंबर पे हमने बात की प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। याद करने के लिए आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सीधा सिंपल याद रखना है कि एक नंबर पे जो आएगा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। और दो नंबर पे बात करें तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, तीन नंबर पे बात करें तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हो गई, इजीली याद हो जाएंगी। अब इनको कैटेगराइज करके देख लेते हैं कि इनमें क्या पढ़ना है, इनमें क्या पढ़ना है। तो ये टोटल हम बात करेंगे। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में हम यहाँ पे बात करेंगे टेस्टिस की। इसकी पूरी डिटेल्ड हम स्टडी करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन आए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाइए, तो उस दौरान आप प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स तीनों को आप बारी बारी से समझाएंगे। लेकिन अगर नीट वीट में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जो हम आगे देखेंगे। तो देखिए, टेस्टिस की हम बात करते हैं। टेस्टिस के हम दो काम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला काम है स्पर्म फॉर्मेशन, आप आगे पढ़ेंगे कि टेस्टिस में सर्टोली सेल पाई जाती है जिनसे स्पर्म फॉर्मेशन आगे होता है। कैसे होता है पूरी प्रोसेस आप आगे देखेंगे। दूसरा है मेल सेक्सुअल हार्मोन, मेल सेक्सुअल हार्मोन की बात कर ले आप, या इसको आप एंड्रोजन कह दीजिए या आप इसको टेस्टोस्टेरोन कह दीजिए, एक ही बात है। तो
एंड्रोजन कह दीजिए, टेस्टोस्टेरोन कह दीजिए, या मेल सेक्सुअल हार्मोन कह दीजिए, तीनों इसी के नाम होते हैं टेस्टोस्टेरोन के, ठीक है। तो इसका निर्माण करना, ये भी टेस्टिस का काम हो गया, और स्पर्म का निर्माण करना, ये भी टेस्टिस का आपका काम हो गया। अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें क्या क्या आता है। ध्यान रखिए, वी ई पहले लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर वी डी लिखेंगे, और फिर इसके बाद में ई लिखेंगे। वी ई लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर वी डी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे। वी ई से मेरा मतलब है वासा इफ्रेंसिया, वी ई से मेरा मतलब वासा इफ्रेंसिया से, ई से मेरा मतलब इजेकुलेटरी, सॉरी एपिडिडाइमिस, ये वाला जो ई है ये एपिडिडाइमिस है, ये वी डी है ये वासा डिफ्रेंसिया है, और ये फिर बाद में ई है ये इजेकुलेटरी टक्ट है। तो सबसे पहले, ये तो वैसे याद हो जाएगी, इसके लिए कोई ट्रिक की याद नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले हम बात करेंगे वासा इफ्रेंसिया, इसके बाद में आता है एपिडिडाइमिस, इसके बाद में आता है वासा डिफ्रेंसिया, और सबसे एंड में आएगा इजेकुलेटरी डक्ट। तो ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद में आप जो पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में आप कौन कौन सी ग्लैंड पढ़ने वाले हैं वो भी देख लीजिए। तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में जो आप पहली ग्लैंड पढ़ने वाले हैं वो है सेमिनल वेसिकल, दूसरी होगी प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे काउपर ग्लैंड की। काउपर ग्लैंड का एक दूसरा नाम भी है बल्बो यूरिथरल ग्लैंड है। तो ये तीन जो ग्लैंड हैं आपकी, ये इंपॉर्टेंट, ये तीन आप ग्लैंड पढ़ेंगे, ये आपके सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैं फिर से बता देता हूँ, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस, टेस्टिस के काम स्पर्म फॉर्मेशन और मेल सेक्सुअल हार्मोन का निर्माण करना। उसके बाद में आते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कौन कौन से होते हैं, वासा इफ्रेंसिया होगा, उससे आगे एपिडिडाइमिस, उससे आगे वासा डिफ्रेंसिया, उससे आगे इजेकुलेटरी डक्ट। इसके बाद में आपको बताना है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होगी, सेमिनल वेसाइकल हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, और काउपर ग्लैंड हो गई, पल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हो गई। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम इन सब की डिटेल देखेंगे। थैंक यू।